मेरे लिए मुद्दे दो ही हैं, एक यूथ है और दूसरा फार्मर्स है। यूथ के अंदर सब कुछ आ जाता है, सबसे पहले आती है बिकॉज यहाँ की जो प्रॉब्लम है ड्रग्स, फिर आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आते हैं स्कूल, हेल्थ केयर एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर दूंगा। बच्चों को मैं देखूंगा, क्योंकि ड्रग्स भी एक बीमारी है, उसका किस तरह से इलाज करना है उसके बारे में सोचूंगा। फार्मर्स के लिए बहुत डिफिकल्टीज हैं बिकॉज बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ला नहीं पा रहे हैं ताकि उनको ईजी रहे। डिफरेंसेस हैं, डिस्टेंसेस हैं, कुछ ब्रिजेस की ज़रूरत है एंड बाकी और भी। मैं उनके साथ जब बैठूंगा मिलूंगा तो मुझे ज़्यादा और समझ में आएगा और मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, पर मुझे इतना मालूम है कि मैं जैसे फिल्में भी की हैं, मैं हमेशा हल ढूंढता हूँ कैसे आगे जाना है। बीजेपी को इसलिए चुना क्योंकि मैं मोदी जी को बहुत पसंद करता हूँ और उन्होंने पिछले 5 सालों में देश को बहुत आगे लेकर गया है। पूरी दुनिया देश को उस तरह से जानती भी है, इंटरनेशनल बिजनेसेस यहाँ गए हैं, देश प्रोग्रेस कर रहा है और ढेर सारी चीज़ें की उनकी। और मैं चाहता हूँ कि अभी अगले 5 साल भी वही जीतें बिकॉज हमें एक अच्छा स्ट्रांग लीडर चाहिए। और जब मुझे मौका मिला तो पहले तो मैं वाकई घबरा रहा था, फिर मैंने सोचा कि घबराना क्यों, हम अक्सर कहते हैं कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा और मेरे तरह के मेरे जैसे लोग जुड़ते नहीं इन चीज़ों में, तो मैंने ये मुझे मौका मिला मैं जुड़ूँ और मैं समझूँ कि कठिनाइयाँ क्या होती हैं और उनके साथ जुड़कर उनको जिताऊँ।